Respected members of the print and electronic media, I welcome you all in this annual press conference of Punjab Frontier PSF organized on the eve of 60th BSF Raising Day, that is on 1st December 2024. This press conference is aimed at updating the electronic as well as print media about various operational achievements and other major activities conducted by BSF in Punjab Frontier during the intervening period from 1st December 2023 to 30th November 2024. As you all are aware that Punjab Frontier is one of the oldest frontier of BSF and has rich legacy of effective guarding of the international Indo-Pakistan border in Punjab state. It is one of the most challenging frontier of the BSF. Sima Suraksha Bal, Bharat ki pratham raksha panti, duniya ke sabse bade aur sabse kushal sima rakshakon balon mein se ek hai, jo 6,386 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसको हम आई भी बोलते हैं, और 772 किलोमीटर की नियंत्रण रेखा LOC की सुरक्षा में तैनात है, जिसमें पंजाब फ्रंटियर पाकिस्तान के साथ सटी हुई 553 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। इन वर्षों में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सीमा प्रबंधन की अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी निष्ठा, पराक्रम, दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। सीमा सुरक्षा बल में पंजाब फ्रंटियर की ऑपरेशनल उपलब्धियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पंजाब फ्रंटियर के बहादुर अधिकारियों और जवानों ने अपने कर्तव्यों में मुस्तैदी और सतर्कता का प्रदर्शन करके सफलतापूर्व मिसाल कायम की है। इसके रिजल्टेंट टू दैट BSF पंजाब फ्रंटियर इन दिस ईयर एबल टू सीज 180 किलोग्राम ऑफ हीरोइन एंड 270 पाकिस्तानी रोग ड्रोन्स, 37 आर्म्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आर्म्स, 48 नंबर ऑफ मैगजीन, 409 नंबर ऑफ एमिनेशन एंड एप्रीहेंडेड 167 इंडियन नेशनल ऑन IB, 1 अफगानी नेशनल, 2 बांग्लादेशी नेशनल, 29 पाकिस्तानी नेशनल्स एंड न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी इंट्रूडर। सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना, पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवधि में पकड़े गए 167 भारतीयों में 80 स्मगलर्स है, जिन पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जो केवल BSF ने पकड़े हुए हैं। इन अपराधियों से पूछताछ के दौरान तस्करी में सम्मिलित 54 आरोपियों का सस्पेक्ट का खुलासा हुआ है। इन 54 में से भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उसमें 11 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 60 संदिग्ध लोग जो ड्रोन ड्रॉपिंग जोन में शाम को या रात को पाए गए, उनको भी BSF ने पकड़कर पुलिस के हवाले, इन्वेस्टिगेटिंग हवाले के हवाले कर दिया है। इन सभी एक्यूज्ड के पूछताछ के दौरान 17 विदेशी एसोसिएट्स का खुलासा हुआ, जिनमें
पाकिस्तान के 12 स्मगलर्स, यूएसए में एक स्मगलर, इटली में एक स्मगलर, दुबई के 2 स्मगलर और कनाडा का एक स्मगलर जो वहाँ बैठ के यहाँ के हैंडलर को हीरोइन स्मगलर हीरोइन के स्मगलिंग का आदेश देते थे। इन सभी स्मगलर की लिस्ट हमने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दी है ताकि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में फर्दर कार्रवाई करे। सीमा सुरक्षा बल द्वारा पुलिस, पंजाब पुलिस और एनसीबी से उनकी इन्वॉल्वमेंट के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने पुलिस को लगभग 136 जो नॉन स्मगलर है, जो सस्पेक्टेड स्मगलर है, जो बॉर्डर पे हीरोइन का स्मगलिंग करते हैं, जो ड्रोन का इस्तेमाल करके हीरोइन का स्मगलिंग करते हैं, ऐसे 136 स्मगलर की लिस्ट हमने पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट को दी है ताकि उनको PTDBS प्रिवेंटिव डिटेंशन करे, PTDBS एक्ट में, ताकि ये जो आने वाला फॉग का सीज़न है, अभी भी फॉग चल रहा है, तो फॉग का सीज़न में विजिबिलिटी कम हो जाती है और ऐसे वक्त स्मगलर जो है इसका फ़ायदा उठा के स्मगलिंग करते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने 136 लोगों की स्मगलर की सूची जो है वो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस को दी है, जो उस पर कार्य अभी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, BSF हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम्स फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट, दैट इज वेलफेयर, मेडिकल कैंप, वेटरनरी कैंप, सिविक एक्शन, स्पोर्ट्स इवेंट। BSF हैज कॉन्स्टिट्यूटेड विलेज डिफेंस कमिटीज एज अ हेल्पिंग हैंड टू काउंटर ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग एंड ट्रांस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। दिस VDCs हैव meticulously contributed in recovery of drones, heroin, drugs and prominent smugglers and supply that supported BSF in apprehension of more than 20 smugglers and large number of heroin and 12 drones in border areas. BSF Punjab Frontier organized various sports activities, that is Borderman Marathon February 2024 for the youth of border villages to make them aware about healthy life, say no to drugs and mainstreaming them in the healthy society. This mega event, the Borderman Marathon 24, was organized at Amritsar with a great enthusiasm and participated more than 1,600 runners of Punjab, including women, sportsmen and other police, army and CAPFs. The mega event was flagged up by DG BSF, other officials of BSF and famous sports icons of Punjab. On the lines of previous year, BSF Punjab Frontier is again organizing Borderman Marathon 2025 on 23rd February 2025. I appeal to the youth of Punjab to participate in this mega event and also request to the personnel of print and friends from print and electronic media to advertise and popularize this event so that maximum people can participate in the event. The youth and sportsmen can participate in Borderman Marathon 2025 by registering them online. This time BSF Punjab Frontier is requesting to participate more women
स्पोर्ट्स पर्सन एंड देयर एंट्री इन द इवेंट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. दी मोटो ऑफ बॉर्डरमैन मैराथन इज हैंड टू हैंड विथ बॉर्डर पॉपुलेशन. खेल के आयोजन की श्रृंखला में सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर ने आगामी स्थापना दिवस के अवसर पर नशा मुक्त समाज के संदेश फैलाने के लिए 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक करीब 500 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का आयोजन किया था. यह रैली पंजाब सीमा के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे जेसीपी सादगी से शुरू हुई, फिर वहाँ से हुसैनीवाला करतारपुर कॉरिडोर होके आज जेसीपी अटारी में संपन्न हो रही है. इस रैली का मुख्य उद्देश्य नशे के दुरुपयोग के नशे को रोकना और उसके दुरुपयोग के बारे में लोगों को जानकारी देना. हम ये चाहते हैं कि पंजाब बॉर्डरिंग जो यूथ है वो नशे से दूर रहे, ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग स्मगलिंग से दूर रहे. जो पंजाब के स्मगलर्स जो छोटे बच्चों को ड्रोन ड्रॉपिंग उठाने के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों को उसके लीगल इम्प्लिकेशंस पता नहीं होते हैं जो उनके उज्जवल भविष्य को घातक हो सकते हैं. इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस साइकिल रैली द्वारा बच्चों को, जवानों को, यंग यूथ को हमने एंगेज किया है ताकि ये लीगल जो उसके पैराडाइम्स है वो भी समझाया जाए. और इसमें इस पूरे 500 किलोमीटर रैली में हजारों लोगों ने हमने जो है इसमें जागरूकता पैदा की है. सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर का मुख्य प्रयास ड्रोन तस्करी को चुनौती का समाधान करना है. इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल से सीमा पंजाब सीमा पर ड्रोन की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सीसीटीवी कैमरा की तैनाती कर दी गई है. इसका जो अभी चारों सेक्टर में गुरदासपुर सेक्टर, अमृतसर सेक्टर, फिरोजपुर सेक्टर और अबोर सेक्टर में जो सेंसिटिव पैचेस है, जो रिवराइन गैप्स है, उसमें हमने पूरी तरह से अभी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं. उसका फलस्वरूप यह है कि जो ट्रेडिशनल रूट से तस्करी होती थी, रिवराइन रूट से जो तस्करी होती थी, खेती के द्वारा जो तस्करी होती थी, वो अभी लगभग कम हो गई है. अभी जो हमने सीजर किया है हेरोइन, वो 90% सीजर जो है वो ड्रोन ड्रॉपिंग से ही हुई है. तो ये सीसीटीवी कैमरास और इस साल भी हम और लगाएंगे. अभी तक जो सिर्फ सेंसिटिव पैचेस और रिवराइन गैप्स में है, अभी पूरा एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे. सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर द्वारा भारतीय सेना और अन्य एजेंसियों के साथ बैठ के इंटेलिजेंस जो मीटिंग है वो हमने ऑर्गेनाइज की है, बार बार ऑर्गेनाइज की है. और इसमें इसके फलस्वरूप हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके भारी मात्रा में जो है नशीले पदार्थ बरामद की है. बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर द्वारा हाल ही में ड्रोन एनालिसिस लैब जो अमृतसर सेक्टर खासा में कार्यरत किया गया, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ड्रोन, जो भी ड्रोन हम सीज करते हैं, पाकिस्तानी रोग ड्रोन, उसका एनालिसिस करने के बाद हम एक प्रेडिक्टिव मैट्रिक्स बनाते हैं ताकि ड्रोन कब आता है, कहाँ से आता है, कितना पेलोड है, ये एनालिसिस करके हम प्रेडिक्टिव उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम काफ़ी भारी मात्रा में इस वक्त जो है ड्रोन को गिराने में सफल रहे हैं.
क्योंकि ये 2024 का एक साल का लेखा जोखा है। तो पंजाब फ्रंटियर ने इस वक्त महत्वपूर्ण जो चीज़ें की है उसमें 12 फरवरी 2024 को भारत सरकार की पहल के तहत योग्य युवाओं को रोजगार के लिए सीमा सुरक्षा बल में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा 139 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जैसे कि मैंने बताया था कि बॉर्डर बंद मैराथन हमने जो 25 फरवरी 2024 को किया था, जिसका मोटो हैंड इन हैंड विद द बॉर्डर पॉपुलेशन था, जिसमें करीब 1600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें करीब 450 to 460 बॉर्डर यूथ जो है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट के जो लड़के और लड़कियाँ इसमें भाग लिया था। हमने उनको ट्रेन किया था ताकि ये लोग जो है फिजिकल एक्टिविटी में रहे, स्पोर्ट्स में रहे और नशे से दूर रहे। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल ध्वज का उद्घाटन 21 मई 2024 को किया गया था, जो कि 300 फीट ऊंचा ये फ्लैग है। 10 अप्रैल 2024 को बीएसएफ द्वारा अमृतसर में इनर व्हील क्लब ऑफ सतना मध्य प्रदेश के सहयोग से 20 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए और इसका कार्यक्रम यही अटारी में आयोजन किया गया था। महिला सशक्तिकरण में सीमा सुरक्षा बल की महिला प्रहरियों को सीमा पर घुड़सवारी गश्त, दैट इज हॉर्स राइड, हॉर्स पेट्रोलिंग और फ्रंटियर मुख्यालय जलंधर में महिला बीएसएफ बैंड और महिला हॉकी टीम का गठन के माध्यम से उसमें नियमित रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल महिला दिवस 12 मार्च 2024 को फ्रंटियर हेडक्वार्टर जलंधर से विभिन्न क्षेत्रों के महिलाओं को योगदान को पहचानने और सम्मान देने हेतु इस कार्यकर्ताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। हम अपने जो बीएसएफ रिटायर्ड ऑफिसर है उनका उनके फैमिली का ख्याल रखते हैं जगह जगह, और बार बार हम पेंशन अदालत लगाते हैं ताकि किसी को पेंशन मिलने में परेशानी ना हो। 21 जून 2024 को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है और जो आइकॉनिक लोकेशन है बीएसएफ की, अटारी, हुसैनीवाला, सादगी और डेरा बाबा नानक, करतारपुर कॉरिडोर, इसमें हमने योग इंटरनेशनल योग दिवस पे सामूहिक योगा किया है। स्वच्छता ही सेवा है और एक पेड़ माँ के नाम के तहत हमने 2,22,000 पेड़ जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर पे लगाए हैं। ये पूरे बॉर्डर पे बीओपी पे हमने जो है 2,22,000 पूरे पंजाब फ्रंटियर में पेड़ लगाए हैं, क्योंकि ड्रोन मिनेस है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आत्मसात करना ये समय का इट्स अ नीड ऑफ आवर। इसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT जलंधर और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय MeitY के माध्यम से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अगस्त 2024 में 5 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएफ के लोगों को जो बॉर्डर पे काम करते हैं उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी में हमने ट्रेन किया है। आप सभी के माध्यम से मैं पंजाब के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि वे नशे और नशे के तस्करी से दूर रहे और अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाए। मैं आप सभी को आगामी नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सीमा सुरक्षा बल सदैव आपके साथ है। जय हिंद। सर, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर लास्ट ईयर 160 ड्रोन पकड़े, इस बार आप खुद बता दें 270 और हेरोइन अलग से है, 106 किलो हेरोइन अमृतसर में पकड़ी जा रही है, पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस में पकड़ी है। हेरोइन की तस्करी बढ़ी है या कम हुई?
देखिए, पिछले साल जो है ने 2023 में 107 ड्रोन पकड़े थे, 107। इस साल जो है हमने अभी तक 270 ड्रोन पकड़े हैं। अभी 11 महीने हुए हैं। ये जो है क्योंकि इस वक्त हमारे पास ड्रोन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, लोगों को हमने ट्रेन किया है, एंटी ड्रोन ड्रिल करवाते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी हमने आत्मसात की है और ह्यूमन एफर्ट्स भी है, तो इसके वजह से हमने ड्रोन को भी ज़्यादा इस वक्त गिराया है। और उसके साथ साथ लोगों की सहयोग से, वो चाहे किसान हो, VDC हो, लोगों के सहयोग से हमने काफ़ी मात्रा में हीरोइन का भी बरामद की है। नहीं, ये जो है इसको हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो जो रिपोर्टेड ड्रोन इंट्रूजन है वो उसके उसके हिसाब से देखें तो हम काफ़ी मात्रा में ड्रोन गिरा रहे हैं। सर, यू मेंशन इन योर प्रेस रिलीज देयर वर पाकिस्तानी ड्रोन्स ओवरसीज इन एन एरिया, आई होप यू डिडंट मीन दैट दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ स्मगलिंग ऑफ हेरोइन। They are launched from Pakistan for the purpose of smuggling of heroin and arms and ammunition. Right. And sir, 2 years ago, probably your area of working inside India was increased up to 50 kilometers. If I'm not wrong, the BSF's working area from the 019 in India. How does this help BSF to curb drug menace and to know more about the smugglers? 50 किलोमीटर एरिया इज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ NDPS एक्ट हैज बीन इट्स अ BSF ज्यूरिडिक्शन हैज बीन अप टू 50 किलोमीटर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ NDPS एक्ट। सो वी आर एबल टू इंटरोगेट, we are able to implement the search and seizures in the depth area with the help of local police and narcotics control bureau. Secondly, our intelligence agencies are now try to link the first line of courier, second line of courier, and the depth involvement of main smuggler in the depth. So that is beneficial to us. That helps you? Yeah, that helps us. Sir, you have बहुत सारा mention किया जो seizure, you have shared the intelligence input with the other agencies, especially the smuggler list. कहीं आपको लगता नहीं कि investigation part भी BSF को मिलना चाहिए? नहीं, our mandate is very clear and everyone has to work within the mandate and our mandate is to guard the border, international border, and we are doing it with all the professionalism. We are going whenever I go to the field. And our officers identify the farmers or villagers who helped BSF in getting information on drone or heroin or arms and ammunition. We pay them then and there only in Kisan Sabha or in village Sabha. Those who don't wanted to come forward and they wanted to be silent on that, we also give them reward money silently. Yes, काफ़ी लोगों, it covers in the local newspaper also, but we do it in the villages. सर, अभी फोक शुरू होने जा रही है, फोक के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि वो स्मगलिंग के जो एफर्ट्स हैं बढ़ते हैं। फॉग इज अ चैलेंज टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्टिकुलरली फॉर
फॉर हीरोइन स्मगलिंग एंड स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड इन्फिल्ट्रेशन। जैसे कि मैंने कहा था कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ स्मगलर जो फॉग का फ़ायदा लेके हीरोइन स्मगलिंग कर सकते हैं। 136 का लिस्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पुलिस को दिया है, वो उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो पीट एनडीपीएस में प्रावधान है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, उस पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो डोमिनेशन पैटर्न जो लीनियर है उसको हम चेंज कर रहे हैं ताकि विजिबिलिटी में जो है डेप्थ में भी हम डोमिनेशन कर रहे हैं। लोकल पुलिस के साथ डोमिनेशन कर रहे हैं, रेगुलर नाके लगा रहे हैं। और जो ड्रोन्स का डेप्थ में जो आवाजाही है, मतलब जो इंट्रूजन है उसको एनालिसिस करके प्रेडिक्टिव इसमें भी हम काम कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए बिल्कुल तरकीब है। पहले जो है छोटे ड्रोन्स का आवाज आता था ना उसका समझता था, तो ये एक महीना हमें समझा नहीं था, बट अभी उस पर हमने पूरी तरह से वो कर लिया, काबू कर लिया है। और वी आर नाउ गेटिंग मोर स्मॉलर ड्रोन्स, क्योंकि उसकी तरकीब हमने निकाल ली है। लास्ट क्वेश्चन है, एंटी ड्रोन सिस्टम कब तक पूरे बॉर्डर पे इंस्टॉल होगा? ये हो जाएगा, इट विल बी रियलिटी वेरी सून। एंड जो हमारे पास अभी है दे आर वर्किंग वेरी गुड। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन इन फ्यूचर इंटरेक्शन अगर बढ़ाए तो अच्छा, और अमृतसर में हमें कोई चाहिए तो जो कैसे की कम पे आप तो पीएसएफ व्हेन वी नीड सम। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल।